John. अच्छी सजावट के आगे साइबरट्रोनियन आर्टिलरी कुछ भी नहीं है। मेरी बात का यकीन मानो। घर वापस आकर अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा। असल में वापस आकर अच्छा लगा। हम ऐसी केव में थे जहाँ ना पानी था, ना इंटरनेट और ना ही टीवी। अजीब था, मेटल डक से बात करने जितना अजीब, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ। Transformers Robots in Disguise, combine a force, sick as a bot. Russell, jaldi se command center jao. डिफेंस सिस्टम को तो अब तक ऑनलाइन हो जाना चाहिए था ना फिक्स इट। दरअसल मैंने जांच करने के लिए उसे कुछ देर के लिए बंद कर दिया था। एनर्जॉन, ऑटोबॉट्स, अपने फेस मास्क लगा लो। आखिर ये चीज है क्या? कुछ अजनबी नैनो पार्टिकल्स हैं। डेटा के मुताबिक इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, पर साइबरट्रोनियंस पर क्या असर डालेंगे ये नहीं पता। वो फिर से आ रही है। आखिर वो है कहाँ? मैं उसे कि क्या बात है, मैंने घुटनों में अभी अभी तो ऑयलिंग किया था। सिक्योरिटी सिस्टम रीबूट कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे ग्रिम लॉक ने मुझे बहुत मारा है। सब जगह दर्द हो रहा है। दर्द का सामना करो, हमें एक कौन को पकड़ना है। फिक्र मत कीजिए लेफ्टिनेंट, मैं उन तीनों का पीछा कर रही हूँ। तुम सबकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। और तुम्हारी भी नहीं लग रही। यहीं रुको, इसे मैं संभालता हूँ। नाक नाक, कोई घर पर है? बल खैर, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। यह है स्ट्रॉन्ग आर्म, ग्रिमलॉक और साइड स्वाइप। मैं तुमसे हाथ मिलाता पर नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोगों को क्या हुआ? हमारी मुलाकात एक अजनबी डिसेप्टिकॉन से हुई। ये हमारे दोस्त हैं डेनी और रसल क्ले, और मैं फिक्सिट हूँ। मुझे लगता है कि उसकी वजह से ही हमें पता नहीं क्या। इसके लक्षणों में मौजूद है जोड़ों का दर्द, ठीक से दिखाई ना देना, और साथ ही दर्द से भरी चीखें। तुम यहाँ कैसे आए बल्कहर? ऑप्टिमस ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। उम्मीद है कि तुम उसकी वजह जानते होगे, या शायद नहीं। जो भी हो, वो यहाँ नहीं है और अभी ये जरूरी है। सुनो, क्या मुझे अपना इंटेक कवर पहनना चाहिए? कोई भी संक्रमक नैनो पार्टिकल हवा में बचा नहीं है। अब ये बीमारी और ज्यादा नहीं फैल सकती। शायद फिक्सिट, ऐसा कैसे हो गया कि सिर्फ तुम और मैं ही बीमार नहीं? शायद हमारी अलग फिजियोलॉजी की वजह से वायरस का असर हम पर ना हुआ हो। तो ये परेशानी खत्म कब होगी? ये जानलेवा तो नहीं है, है ना? पता नहीं, पर देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं, बीमारी पर काबू पाने के लिए मैं तुम सबको स्टेटस पॉड में रख देता, पर हमने आखिरी स्टेटस पैक स्टील जॉ के पैक पर इस्तेमाल कर लिया। तो हमें इलाज की जरूरत है?
वो मुझे कहाँ मिलेगा? मैं नैनो पार्टिकल्स के असर को उल्टा करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे वायरस के ओरिजिन पर और जानकारी चाहिए। शायद डिसेप्टिकॉन के बैकग्राउंड से हमें कुछ और पता चले। तो उसका नाम है विंग कोड। वो एक एनाजॉन वैम्पायर है नाइट स्ट्राइक की तरह, और महान युद्ध में वो एक हवाई जासूस रह चुकी है। इसने एक नैनोटेक हथियार चुराया था जिसके लिए गिरफ्तार कर ली गई थी। एक बार सिस्टम में आने के बाद अधिकारी उसे जब्त नहीं कर पाए। विंग कोड ने अल्कमोर पर एक क्वारंटीन स्टेटस पॉड जब्त कर लिया था। जब जहाज टकराया होगा तब वो फेंकी गई होगी। एनाजॉन कम होने से हो सकता उसने हाइबरनेट कर लिया हो, और बहुत कम होने पर वो रिफ्यूल करने उठी होगी। उसने जो चोरी किया है वो सिर्फ इतने से ही रिफ्यूल कर पाएगी। फिक्स इट, तुम इन्हें फिक्स कर सकते हो। मतलब यही तो तुम्हारा काम है, तुम्हारा नाम भी यही है ना? मुझे लगता है अगले कदम में हमें अपने कैन का नया सैंपल लेना होगा और ये देखना होगा कि क्या मैं उनसे एंटीनोट बना पाता हूँ या नहीं। जितना चाहिए उतना ले लो, मुझे तो बस थोड़ा सा ही चाहिए। तो इलाज मिला कि नहीं? हमारे कोई भी नैनो सेल्स ऑटोबॉट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैच नहीं करते। ओके, अगर फिक्सेड तुम्हें ठीक नहीं कर पा रहा तो मुझे कुछ करना होगा। फिक्सेड को काम करने दो ग्रिमलॉक। अब मैं ज्यादा देर तक दर्द सहन नहीं कर पाऊंगा। विंग कोड बताएगी कि तुम्हें कैसे ठीक करना है। मुझे नहीं लगता कि वो ग्रिमलॉक को जानती है, पर ये मुमकिन है कि मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके सीधे उसे एक एंटीडोट बना पाऊं। लगता है वायरस ने मुझ पर भी असर करना शुरू कर दिया है। मेरा एनर्जी कंजप्शन सिस्टम बहुत ही ज्यादा। अगर हमें विंग कोड की जरूरत है तो मैं उसे जाकर लेकर आता हूँ। जरा एक मिनट, तुम बिना कोई प्लान बनाए ऐसे ही नहीं जा सकते। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। क्या कर रहे हो? मुझे भी और दूसरों की मदद करनी है। देखो, मैं तुम्हें अपने दोस्तों की मदद करने से मना नहीं कर रहा, पर बिना सोचे समझे भागने से तुम उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हो। स्क्रैप यार्ड चलो, हम सोचते हैं कि आगे क्या करना है। मैं विंग कोड को ढूंढ रहा हूँ। तुम दुनिया के हर इंसान का ध्यान हमारी तरफ खींच लोगे। मुझे परवाह नहीं, मेरे दोस्त बीमार है। हमें ये भी नहीं पता कि वो कितने बीमार है, और सिर्फ मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। तुम मुझे उनकी मदद करने से नहीं रोक सकते। मतलब तुम अपना फैसला नहीं बदलोगे? अब चाहे तुम बेहोश हो या होश में, मैं तुम्हें स्क्रैप यार्ड लेकर ही जाऊंगा। हे, लगता है हम कुछ ज्यादा ही अंदर आ गए। वैसे हमारे ये एक्सो सूट्स अमेजिंग लग रहे हैं ना? ये झील के किनारे किराए पर मिलते हैं। फिर मिलेंगे। बम्बलबी, मुझे लगता है तुम्हें लेट जाना चाहिए। मैं ठीक हूँ, अब मुझे काफी ठीक लग रहा है। तुम्हारा चेसी तो डाइनर के तंदूर से भी ज्यादा गर्म है, और साथ ही तुम्हारा भी स्ट्रॉन्ग आर्म। कैडेट स्ट्रॉन्ग आर्म ड्यूटी के लिए हाजिर है। वो होश में नहीं है। शुक्रिया। मेरा कवच उससे ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म। मेरी कोई मदद क्यों नहीं कर रहा? फिक्स इट, बम्बलबी स्ट्रॉन्ग आर्म और साइड स्वाइप का तापमान बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे इसी की फिक्र थी। अरे नहीं, उनका कोर तापमान बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम उस नीचे नहीं ला पाए तो ये फिक्स इट। मैं लेकर आती हूँ। अब स्ट्रॉन्ग आर्म कहाँ चली गई? ओह नो, तैयार हो जाओ बेटा, हमें बचाओ अभियान पर जाना है। मैं भी तो बीमार हूँ, मुझे सबसे नफरत है। हाँ,
कहीं तुम छुट्टी पर तो नहीं जा रहे हो ना? नहीं, बचाओ अभियान पर अभी आते हैं। क्या ग्रिमलॉक ठीक है? हाँ बिल्कुल, ये बात करके थक गया है। साइड स्वाइपर बम्बलबी का ध्यान कौन रख रहा है? उनकी हालत खराब है, उनके साथ कोई क्यों नहीं है? और अब तो फिक्सेट भी बीमार है। चिंता मत करो दोस्त। सुनो दोस्तों, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ठीक है? ऐसा लगता है कि एनर्जॉन प्रोसेसर को उल्टी करके बाहर निकाल दूं। बल्कहेड, क्या तुम मुझे एक ऑयल पैन दोगे प्लीज? साइबरट्रॉन पर सारा एनर्जॉन मिल जाए फिर भी नहीं। शर्त लगाता हूँ कि वो बम्बलबी को ऑयल पैन दे देता। मुझे ऐसे ही भागना नहीं चाहिए था। अगर मैं विंकोड का पता मालूम करने की कोशिश करता तो अपने दोस्तों की मदद कर पाता, और तो और शायद स्ट्रॉन्ग आर्म को जाने से रोक भी पाता। सुनो मेरी बात मानो, दुखी मत हो, डेनी और रसल स्ट्रॉन्ग आर्म को संभाल लेंगे। हमें विंकोड को पकड़ने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हमें एक प्लान की जरूरत है। बिल्कुल, पर अगर हम प्लान नहीं बना पाए तो, या फिर हमने जो प्लान बनाया है वो कामयाब नहीं हो पाया तो, मैं वापस जाकर विंकोड की तलाश करता हूँ। वो शांत हो जाओ, शांत रहने से ही काम बनता है। कुछ रिलैक्सिंग चीज के बारे में सोचो। कौन सी चीज तुम्हें रिलैक्स करती है? और चाहिए। नॉइज पोल्यूशन कर रहे हो, धीमी करो। मैंने कहा आवाज धीमी करो। तुम अफसर की बात नहीं सुन रहे हो, इसके लिए फाइन भरना होगा। ठीक है, तो ये रहा एक और टिकट। ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें एक और टिकट मिलेगा। मैं इंतजार नहीं कर सकती। जवाब दो, नहीं तो तुम्हारे पास इतने टिकट हो जाएंगे कि तुम गिनती भूल जाओगे। तुम बाहर निकलना चाहोगे? देखो, लगता है हमें एक और मिल गया नॉर्मन। ऐसा लगता तो है फ्लॉयड, और मेरा नाम है मैक ब्लैंक। इन एक्सपेरिमेंटल लॉ एनफोर्समेंट व्हीकल्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो वाकई बहुत अजीब है। अब मुझे अनदेखा करके देखो। अब बोलो कौन टकरा रहा है? हे, लगता है इसे भी सबक सिखाना होगा। चुपचाप साइड में आ जाओ। फिर मिलते हैं दोस्त। बहुत अच्छे बल्कहेड, चीजें तोड़कर बहुत आराम मिलता है। ये तो मैं जानता ही था। चलो अब दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि विंकोड को कैसे पकड़ना है। फिक्स इट टू ग्रिमलॉक एंड बल्कहेड। जो भी कूलिंग डिवाइस मिले उसे लेते आना, और उन्हें कमांड सेंटर में ले आओ जल्दी। ठीक है, मुझे उठने दो। लेफ्टिनेंट प्लीज। मुझे थोड़ा कूलन चाहिए, पर कोई मेरी बात सुने तब ना। बम्बलबी से निकलती गर्मी में यहाँ तक महसूस कर सकता हूँ। hey, मैं भी गर्म हूँ, भूल गए क्या? उनके प्राइमरी वेंट्स बंद हो रहे हैं, जिससे उनके कोर प्रोसेसर्स का तापमान बढ़ रहा है। अगर हमें जल्द ही विंग कोड नहीं मिली तो ये पिघल जाएंगे, और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब चलो विंग कोड को ढूंढते हैं। खुद को ब्रेक्स लगाओ ग्रिमलॉक, याद है हमारे पास अभी प्लान नहीं है। अभी प्लान का वक्त नहीं है। मेरे हिसाब से प्लान यही होना चाहिए कि बिना प्लान के आगे बढ़ो। अगर हम प्लान बना लें तो उसे आसानी से हरा सकते हैं ग्रिमलॉक। शुक्रिया दोस्त। ओके, प्लान का वक्त है, चलो सोचते हैं। वो
मुझे लगता असली मुश्किल ये है कि हम सोचना नहीं जानते। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा लग रहा है स्क्रैपयार्ड के अंदर का एनर्जॉन मेरे अंदर उबल रहा है। हाँ, यही तो है। विंग कोड नाइट स्ट्राइक की तरह एक एनर्जॉन वैम्पायर है, तो उसे और एनर्जॉन की जरूरत होगी और वो उसे ढूंढने के लिए जरूर निकलेगी। शायद मेरे पास एक प्लान है, पर शायद तुम्हें वो पसंद ना आए। एनर्जॉन को स्क्रैप यार्ड के बचाव सिस्टम से दूर ले जाना बहुत बड़ी गलती है। विंग कोड जानती है ये यहाँ है, वो इसके लिए जरूर वापस आएगी। सॉरी बल्क, मेरा इलाका मेरा प्लान। तुम बहुत जिद्दी हो, पता नहीं तुम्हारी पूंछ कैसे मुड़ती है। ए, मेरी पूंछ के बारे में कुछ मत कहना, समझे? नहीं तो दूंगा एक। तुम्हें मेरा प्लान पसंद नहीं आया? तो जाओ साइबरट्रॉन लौट जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं था। उपकर, शक्टिकॉन, घबराओ मत, हमारा प्लान अभी काम कर सकता है, डटे रहो। जासूस बन सकते थे तुम। हाँ, मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे यहाँ तक लाया जहाँ तुम उड़ नहीं सकती। अपने एनर्जॉन अपने पास रखो डायनोबॉट, मैं तुम्हारे कैंप जाकर तुम्हारे कमजोर दोस्तों को ठिकाने लगाती हूँ। क्यों, कैसा लगा मेरा प्लान? डैड शुरू कीजिए वरना। मैं जानता हूँ, कर रहा हूँ। तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? क्योंकि विंग कोड को इस वायरस का कोई असर नहीं हुआ, मतलब उसके नैनो सेल्स एंटीवायरस का काम करेंगे। ग्रिमलॉक, हमारा एनर्जॉन। फिक्र मत करो बम्बलबी, मैंने बस कुछ ही असली लिए थे, बाकी सारे एनर्जॉन तो नकली थे। नकली स्मार्ट। बस ये काम कर जाए। अगर वायरस इसे डीएक्टिवेट नहीं करेगा तो शायद ये करेगा। सब शांत रहो और इसे एक और मिनट दो। तापमान कम हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ग्रिमलॉक ने मुश्किल वक्त में बहुत समझदारी दिखाई। अजीब बात है, पता नहीं मेरे सिर में आइसक्रीम ट्रक का गाना क्यों घूम रहा है। ओह,
क्या मैंने पूरा जोर लगाकर एनर्जॉन प्रोसेसर इजेक्ट कर दिया था? सच बताना, मुझे आखिर में ठीक किया ना? शुक्रिया ग्रिम, बाकी सबका भी। तुमने समझदारी से काम नहीं किया होता तो अब तक हम सब पिघल चुके होते। अगर बुरा ना मानो तो ऑप्टिमस के आने तक मैं यही रहना चाहूंगा, और मुसीबत में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जितनी मर्जी उतना रुको बलखैर। पास में खदान है, क्या ख्याल है, ग्रेनाइट पंच करने चलोगे? हाँ चलो, देर किस बात की है। वैसे ना मेरे पास एक आइडिया है कि तुम अपना दाया पंच कैसे बेहतर कर सकते हो। ओ, अच्छा। Anish as Bumblebee. Anita Dokania for Strong Arm. Krutar Trivedi for Sideswipe. Vaibhav Thakkar as Fixit and Russell. Aditya Raj Sharma as Grimlock. Ghanshyam Shukla for Tenny and Bulkhead. Bubbly as Wing Coat. Sound Engineer Ketan Jadhav.